हेलो दोस्तों, तो क्या हाल चाल। उम्मीद करता हूँ कि आप सब अच्छे से ही होंगे। और दोस्तों बढ़िया रहना। हाँ, और आज शायद एक ही वीडियो आएगी क्योंकि आज मेरा एग्ज़ाम है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो पिछले एपिसोड में आपको पता है क्या हुआ था, फ्रीजा और कोको का घमासान युद्ध हो रहा था। अब आगे इस वाले एपिसोड का नाम होने वाला है क्लास ऑफ द सुपर पावर। तो इस वाले एपिसोड की शुरुआत होती है चीती से। जो चीती है वो बहुत सारा सामान पैक करती है, और सामान पैक करने के बाद वो कहती है कि गोहान मेरे बेटे मैं आ रही हूँ। और वो सब उसे समझाने की कोशिश करते हैं कि चीची मत जाओ, ऐसे मत करो, तुम वहाँ जाकर उनकी मुसीबत बढ़ा दोगी, इसका कोई फ़ायदा नहीं होगा। और वो सब खड़े होते हैं, तभी वहाँ पर यादुरो भी आता है और वो आकर कहता है कि पिकोलो जिंदा हो गया है, कामी अपने प्लेस पर आ गए हैं। और तभी जो चीची होती है वो डर जाती है, क्या वो पिकोलो जिंदा हो गया है, वो मेरे गोहान को फिर से कुछ गलत करेगा। तभी वो वहाँ से अपना बैग उठाकर चल लेती है, उसमें बहुत सारी गन भी होती है। और वो सब उस जबरदस्ती पकड़ कर उसे रोकने की कोशिश कर रहे हैं और समझा रहे कि अभी मत जाओ, और तुम जाओगी कैसे, अभी तो स्पेसशिप खराब है। और तभी वो याद कर दे कि अरे हाँ, स्पेसशिप तो मैंने खराब कर दिया था, जब मैं उससे जा रही थी तो वो खराब हो गई थी और मैं नीचे गिर गई थी। तभी डॉक्टर आते हैं, बुलमा के पापा। वो आकर कहते हैं कि हे दोस्तों, मैंने उस स्पेसशिप को बिल्कुल ठीक कर दिया है। और ये सुनकर चीची बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है और उन सबको गुस्सा आ जाता है, और वो टूट पड़ते हैं। मतलब कि टूट पड़ने वाले ही होते हैं, पर वो रुक जाते हैं, वो उसे बताना नहीं चाहते। तभी जो यादुरो भी होता है वो वहाँ से निकलने की कोशिश करता है पतली गली से, और मास्टर रोशी कूद कर जाते हैं और उसकी गर्दन पकड़ लेते हैं और कहते हैं तुम कहाँ जा रहे हो, तुम हमारे साथ प्लैनेट नेमिक पर चलोगे। और फिर वापस से दूसरा सीन शूट होता है, और ये होता है गोकू का। गोकू एक पहाड़ी पर खड़ा हुआ था और अभी भी खड़ा हुआ है, और जो फ्रीजा है वो ज़मीन पर खड़ा हुआ है, और वो उड़कर जाता है हवा में, और हवा में जाकर वो गोकू के सामने खड़ा हो जाता है, यानी आमने सामने खड़े हो जाते हैं। और वो काफ़ी दूर दूर होते हैं, वो एक दूसरे को घूर रहे होते हैं। और फिर तभी फ्रीजा बोलता है कि क्या बात, मैं तुम्हें एक बात बताना तो भूल ही गया, जो अभी मैं तुम्हारे साथ लड़ रहा था मैं अपनी पूरी पावर का इस्तेमाल नहीं कर रहा था। गोकू कहता है ऐसा क्या। वो तभी वो उसे घूर कर देखता है और कहता है कि चलो ठीक है, तैयार हो जाओ। तो लो फिर मैं आया, और वो स्पीड से बहुत सारे अटैक करता है गोकू के ऊपर, और वहाँ से बहुत ही ज़्यादा गर्द गुब्बार उड़ते हैं, और वो जाती है पिकोलो के पास, और पिकोलो देखता है। तभी गोकू अपनी जगह से गायब हो जाता है और फ्रीजा के ऊपर आ जाता है, और आकर फ्रीजा को लात मारता है, और फ्रीजा उड़ता हुआ ज़मीन पर जा रहा होता है, वो पानी पानी पर जा रहा होता है और वहाँ पर रुक जाता है। और फिर वो वहाँ से बहुत ही स्पीड से उड़कर आता है और गोकू के ऊपर अटैक कर देता है, जो कि जो गोकू होता है वो जाकर ज़मीन पर गिरता है, यानी गोकू के मुंह पर जो मुक्का लगा है उससे उसका प्रेशर बहुत तेज़ होता है, और फिर वो पानी के अंदर गिरा रहता है और खड़ा होता है पानी के अंदर, और सोचता है कि फ्रीजा ने वो अटैक मेरे पास ऊपर कैसे किए थे, और वो मेरे पीछे भी आ गया था। और तभी उसके मन में एक प्लान आता है, और वो कहता है अच्छा तो फिर ये है। और फिर पानी के अंदर ही खड़ा हुआ वो सोच रहा है, और जो गोहान और क्रिलिन है, क्रिलिन कहता है क्या गोकू क्या हुआ, वो ऊपर क्यों नहीं आ रहा। कि गोहान कहता है जरूर कुछ बात होगी, वो जरूर ऊपर आएंगे। तभी जो गोकू होता है, गोकू दो पावर बॉल बनाता है अपने एक लेफ्ट हाथ से और एक राइट हैंड से, और फिर उन दोनों को आगे कर देता है और खुद तैरता हुआ पीछे चला जाता है। और जो फ्रीजा है, फ्रीजा कहता है कब ऊपर आओगे मेरे शिकार, और वो अपने हाथों में पावर बना के तैयार बैठा है, जैसे ही गोकू आएगा वो उसे मार देगा। तभी जो गोकू होता है वो पीछे जाकर कहता है नंबर एक ऊपर जाओ, और फिर उसकी एक पावर हवा में जाती है, और फिर वो कहता है नंबर दो ऊपर जाओ। और फिर जो फ्रीजा होता है वो उन दोनों पावर को देख रहा होता है, ऐसा इतने में जो गोकू है वो पीछे से आ जाता है और आकर उसके मुँह पर लात मारता है, जिससे कि जो फ्रीजा होता है वो बहुत दूर जाकर गिरता है और धुआं धुआं हो जाता है। और ये क्रिलिन और गोहान देख रहे होते हैं, और गोकू ये देखकर खुश होता है, और वो तीनों भी बहुत ज़्यादा खुश होते हैं। लेकिन जो फ्रीजा है, फ्रीजा एक चट्टान के जो पत्थर होते हैं उनके नीचे दब जाता है, और फिर एक गुलाबी सी पावर आती है जो कि उन सब पत्थर को उड़ा देती है, और जो फ्रीजा होता है वो खड़ा होता है। और जो क्रिलिन है वो ये देखकर घबरा जाता है, क्या इतने खतरनाक हमले के बाद भी कुछ नहीं हुआ। और फ्रीजा अपनी गर्दन मटकाता है, और गर्दन मटकाने के बाद सीधा खड़ा रहता है, और जो गोकू है, गोकू उसे देखकर खुश होता है और मुस्कुराने लगता है। फिर हमें फ्रीजा दिखाया जाता है, जो फ्रीजा है वो थोड़ा सीरियस सा हो रहा है और अपना गोकू खुश हो रहा है। जो फ्रीजा है वो कहता है अरे यार तुमने मुझे गंदा कर दिया, चलो ठीक है फिर अब मैं आता हूँ, अब मेरी बारी है। और गोकू कहता है हाँ बिल्कुल क्यों नहीं। और तभी जो फ्रीजा होता है वो गायब होकर कभी दूसरी जगह, कभी तीसरी जगह, कभी चौथी जगह, और पानी पर भी बुनकी थी हमें दिखाई देती है, और वहाँ से वो निकल लेता है। और तभी वो अपना हाथ ज़मीन की ओर करता है और अपनी पावर से बहुत सारे छोटे छोटे बड़े बड़े पत्थर उठाता है और चारों तरफ गोल गोल घुमाने लगता है, और फिर वो एक एक पत्थर को करके गोकू के ऊपर फेंक कर मार देता है, और गोकू उन सब से बचता रहता है। और फिर वो उन सब पत्थरों को हवा में वहीं के वहीं घुमा के रखता है, और गोकू उन सब पत्थरों से बचता रहता है, और गोकू समझ जाता है कि ये इसकी एक ट्रिक है, ये इसमें मुझे फंसाना चाह रहा है। और गोकू सारे पत्थर से एक के बाद एक रहता है, फिर वो कहता है कि अब बारी है, और फिर तभी वो एक मुक्का मारता है, एक पत्थर तोड़ देता है, और फिर वो एक एक करके सारे
पत्थर तोड़ने लगता है और फिर वो पूरे शरीर की एनर्जी बाहर निकालता है और सारे पत्थर को तबाह कर देता है और फिर आकर ज़मीन पर खड़ा हो जाता है और हंसने लगता है। और फ्रीजा कहता है, क्या बात है, तुम कमाल हो, तुम्हारी तारीफ करनी पड़ेगी। तभी जो फ्रीजा होता है अपने हाथों से एक और पावर ज़मीन की तरफ करता है, अपने हाथ और एक और पावर निकालता है और उस पावर से कुछ और नहीं बल्कि ज़मीन से एक पहाड़ का बहुत सारा ज़मीन का बहुत बड़ा टुकड़ा उड़ता हुआ आता है और वो ऊपर उड़ने लगता है और वो ज़मीन का बहुत ही ज़्यादा बड़ा हिस्सा है। और ये देखकर क्रिलिन और गोहान और पिकोलो ये तीनों शोक हो जाते हैं, क्या अब क्या होगा। तभी जो फ्रीजा होता है वो कहता है कि अच्छा तो अब तुम इसे संभालो, और कहता है क्या तुम इसे संभाल सकते हो, और फिर वो उसे गोगो के ऊपर फेंक कर मार देता है और जो गोगो है वो खड़ा रहता है वहीं उसी के सामने और ज़रा सा भी नहीं हिलता और उसे पकड़ने की कोशिश करता है और उसे पकड़ भी लेता है लेकिन गोगो पर वो संभलता नहीं और गोगो पीछे हटता हुआ चला जाता है। और गुहान और क्रिलिन ये देखकर शोक है और जो गोगो है वो जाकर पहाड़ में मिल जाता है और जो वो टुकड़ा है वो भी पहाड़ में मिल जाता है। फिर अचानक से वो दो हिस्सों में कट जाता है और गोगो बाहर निकल कर आता है और जंप करता हुआ एक जगह जाकर खड़ा हो जाता है और जहाँ पर वो जाकर खड़ा होता है फ्रीजा उसके पीछे से आ जाता है और एक पीला सा एनर्जी पावर बनाता है और उसमें गोगो को बंद कर देता है और जाकर उसे लात मारता है और फिर वो हवा में चला जाता है, हवा में दूसरी साइड से लात मारता है और फिर तीसरी साइड से लात मारता है और फिर फुटबॉल की तरह उससे खेलने लगता है, कभी चारों तरफ, कभी इधर, कभी उधर, कभी दाएं बाएं। और जो गोगो है गोगो हिलने की कोशिश करता है पर हिल नहीं पा रहा और जो फ्रीजा है फ्रीजा उसे अपने उसमें पकड़ कर अपनी पूंछ से रखता है और फिर बाद में उसे एक पावर मार देता है जिससे कि जो गोगो है वो उड़ा हुआ चला जाता है बहुत दूर और एक बहुत ही खतरनाक ब्लास्ट होता है और चारों तरफ रोशनी ही रोशनी हो जाती है और हवा तो इतनी तेज़ होती है कि जो गुहान होता है वो तो उड़कर भाग जाता है लेकिन जो पिकोलो होता है वो उसे पीछे से पकड़ लेता है और गुहान कहता है थैंक यू पिकोलो। और फिर जैसे ही वो हवा शांत होती है हमें क्रिलिन दिखाया जाता है जो कि मिट्टी में दबा पड़ा है और जो पिकोलो होते हैं वो भी मिट्टी में से निकलते हैं और गुहान भी मिट्टी के अंदर से निकलता है और वो देखते हैं कि यहाँ क्या हुआ, इतना बड़ा खड्डा, गोकू कहाँ है। और वो ये देख कर सोचते हैं क्योंकि वहाँ गोकू तो है ही नहीं और जो पिकोलो है पिकोलो कहता है कि घबरा मत, वो यहीं कहीं है, वो देखो। और तभी क्रिलिन कहता है क्या कहाँ पर, तो वो कहता है फ्रीजा तो वो रहा और वो कहता है गुहान तो डैड कहाँ है। पिकोलो कहता है रे तुमने ध्यान नहीं दिया, वो देखो उधर वहाँ पे। और फिर दूसरे पहाड़ पर हमें दिखाया जाता है जो गोकू है वो भी खड़ा हुआ है बहुत ही सीरियस अंदाज में और वो कहता है यार फ्रीजा तुम्हारे साथ बहुत मज़ा आया लड़ने में। और फिर जो गोकू है गोकू उड़ कर चला जाता है फ्रीजा के सामने और उसके फ्रीजा के सामने जाकर खड़ा हो जाता है और फ्रीजा से गप्पे लड़ाने लगता है, क्या यार ये गप्पे क्यों लड़ा रहा है, अगर ये थोड़ा सा लड़ता तो और ज़्यादा मज़ा आता। और फिर जो गोहान है वो कहता है डैड क्या कर रहे हैं, जो पिकोलो है वो कहता है ज़रूर उसने कुछ ना कुछ तरकीब सोची होगी। और ये वाला एपिसोड यहीं पर ख़त्म हो जाता है। तो दोस्तों मैं मिलता हूँ आपसे अगले एपिसोड में, तब तक के लिए बाय बाय।